बता दें कि हमारे साथ अभी गोरखपुरिया भौजी हैं जो कि लगातार अस्पताल में पहुंचे हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे क्या मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को इस प्रकरण में पूरा। भैया आप मेरे से पहले तो आप पहुंचे थे वहाँ पे मौके पर, तो आप पहुंचे थे, आप बता दीजिए क्या अभी अभी अस्पताल में आई हैं मतलब जैसे अस्पताल में। तो यहाँ मालती चौहान का शव अंदर है, अभी बोल रहे हैं सब कि 2 बजे के बाद ही पोस्टमार्टम स्टार्ट होगा और 4-5 बजे तक, और उनके ससुराल के तरफ से कोई नहीं आया है, मायके के साइड से सब लोग हैं और बाकी हम लोग हैं, जितने हम यूट्यूबर हैं सारे लोग हैं, लेकिन उनके ससुराल से कोई नहीं, जितना उनके भाई बंधु अड़दार पड़दार चेला चपाटी जितने लोग थे, जब मालती चौहान तैयार होती थी तो सभी लोग बाहर कैमरा लेके खड़े रहते थे कि मालती चौहान बाहर निकले तो हम लोग वीडियो बनाए, आज सब कहाँ गए, आज वो मालती वहाँ पे पड़ी है सारे कहाँ गए, सारे चेला चपाटी किधर गए। अच्छा, एक बात और है कि एक बार आप सुलह समझौता करवाई थी और एक बार ये लोग दोबारा सुलह समझौता कर लिए जाके कोर्ट में, क्या इसकी सूचना आपको थी या नहीं थी? नहीं, इसकी सूचना मुझे नहीं थी, अब जो मैंने पहले सुलह समझौता कराया था वहाँ आप लोग भी थे, आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जब सुलह समझौता कराया उसके ही रात में उन लोगों ने शादी करवाया, और फिर उसके बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, वीडियो द्वारा ही जो भी था तो था, और बाकी ये सुलह समझौता के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आज के 3-4 दिन पहले सुलह समझौता इन लोगों का हुआ था, उसके बाद बिष्णु राज अपने घर पर ले आने वाले थे, पहले लड़के को ले आते हैं फिर मालती जी आती हैं, उसके बीच मतलब कुछ क्या मतलब कुछ जानकारी है आप लोगों की? इसके बीच मुझे कुछ जानकारी नहीं, मैं एक मीडिया भाई का कल इंटरव्यू देखी थी जिसमें पता चल रहा था कि 3 दिन पहले ही सुलह समझौता हो गया था और मालती चौहान जो है अपने मायके में है, लेकिन फिर कल सुबह पता चलता है कि मालती चौहान अपने घर आ चुकी हैं, मैंने एक वीडियो भी डाला था, फिर पता चला कि मालती चौहान कहाँ चली गई अगर अपने घर नहीं आई, तो फिर यही सब मैटर था, तो मालती चौहान एक वीडियो बना के डाली थी और वो काली जगदीशपुर का वीडियो था, उनके मायके का नहीं था, और वो वीडियो कहा जा रहा है कि विष्णु राज ही बनवाए थे कि ये बना करके वीडियो डाल दो, बल्कि एक जगह ही वो जीभ भी निकाली है क्योंकि उस समय वो आ गए थे, तो बोल रही हैं कि मेरे दीदी आ गई, वहाँ दीदी ने उन्हीं के घर का वो दीवाल है नया वाला जो दीवाल चला हुआ है उन्हीं के घर का वो दीवाल है, बैकग्राउंड सीन आप देख सकते हैं, और सबसे मेन चीज फोन किए थे, सब फोन किए कि दीदी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो, तो बोली कि हमसे इसे कह के वीडियो बनवाला है, और सबसे मेन चीज वो जो घर से अपने वीडियो बना रही थी वो दबाव में वीडियो बना, सबसे मेन चीज ये है मालती चौहान जिस स्थिति में गई थी विष्णु राज के घर से, क्या आप लोगों को पॉसिबल है जिस अवस्था में कल वीडियो बना रही थी सज के सवर के बन ठन के, वो अपने किसी और रिश्तेदार के जगह से वैसी वीडियो बना पाती? वो सिर्फ मुमकिन है विष्णु राज के घर से, और विष्णु राज के घर से ही सज सवर के सारा सामान उसका था, बनाई थी वीडियो, और वो बता रही है राधा कि गुसल खाने का सीन है और जो बाथरूम बना है वहाँ का बगल का सीन है, इनके मालती चौहान के ससुराल का ही सीन था, और विष्णु इस बात को क्यों छुपाए अब तो वही जानेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को, ये खुदकुशी है या फिर मर्डर? मर्डर मर्डर है ये, बॉडी पे यहाँ पे ये निशान है फोटो में। काम कर गई, आपको भी ये सब चीजें पता है कि भाभी आप थोड़ा आराम से काम करिएगा, आपको भी फंसाया जा रहा है, आप भी ये बात हमें बोले थे, तो उसी दिन से मैंने थोड़ा सा बैकअप ले लिया था क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि भाई ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है बंदा, तो इस वजह से मैं इसे बैकअप ले ली थी, जब से इसका सुलह समझौता जो भी हुआ था तब मैं बैकअप ले ली थी, और बाद में इसके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रही थी, वीडियो में जो आ रहा था वही मैं बात का जवाब दे रही थी, बाकी कुछ नहीं कर रही थी, और अभी जो फिलहाल में मामला सामने आया, सुबह मेरे पास गोलू का कॉल आता है और बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना है, तो मेरे हस्बैंड जी मुझे नहीं बताते हैं कि मालती का देहांत हो गया, ये मुझे नहीं बताते, बस बोलते हैं कि मालती के घर चलना है तुरंत चलो, हम बेड पर से उठते हैं तुरंत साड़ी चेंज करते हैं तुरंत चले आते हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं तुरंत आते, तो हमें रास्ते में पता चलता है कि मालती का देहांत हो गया एक वीडियो द्वारा, तो मैं इनसे पूछती हूँ तो बोलते हैं कि मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो इनको क्लियर बताया भी नहीं गया था, तो फिर गोलू रास्ते में कॉल करते हैं कि भाभी ऐसा ऐसा बात है आप जल्दी आओ मोहली थाने पर आओ, तो फिर मैं मोहली थाने पर अभी मैं पहुंची नहीं थी उसके पहले, फिर शांति का कॉल आता है मेरे पास गोलू के नंबर से, तो शांति रोने लगती है और बोलती है कि दीदी आप जल्दी आओ, जो भी करना है आप ही लोगों को करना है, हम लोगों को लोग पागल समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को दबाया जा रहा है, हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वहां से भागी भागी आई, और फिर मतलब उनके साथ प्रशासन से मैं बात भी की और उन्होंने बोला है कि जो भी कार्रवाई होगा अच्छे से होगा, कुछ दबाया नहीं जाएगा। जब प्रशासन से मिली आप तो यशो साहब से मिली तो क्या बातचीत हुई वहां अंदर बैठ के जब आप मिल रही? यही बात हुआ है कि जो भी आरोपी होगा जो भी दोषी होगा उसको सजा दिया जाएगा, आप कल पेपर में पढ़ लिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर में मुझे ज्यादा
ज्यादा नॉलेज नहीं है। तहरीर मुझे नहीं पता है भैया, अब इसके बारे में मालती चौहान के पिताजी ही बता सकते हैं। बातचीत में अभी मेरे से इतना बात नहीं हो पाया, मैं ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाई। जेंट्स को रोके हैं पांच जो उनके घर के हैं, जेंट्स उनको रोका गया, लेडीज को वहाँ नहीं रोका गया। इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो सजा आप लोग किस प्रकार चाहते हैं? आजीवन कारावास उनका। बस बिल्कुल। अर्जुन के बारे में क्या कहेंगे? आप ये देख सकते हैं पूरे ये यूट्यूबरों का ये ग्रुप होकर बिस्लू के खिलाफ कहीं कहीं कार्रवाई करने की मांग है, और हम लोग अभी जिला अस्पताल सदर में है।